उसके नीचे कपड़े डालने हैं आपको, सेंटर में होने के बाद से डालने हैं। हाँ ठीक है, उसके नीचे या इसके नीचे कपड़े डालने हैं आपको। अच्छा मतलब इसे ऊपर ना जाए, मतलब खाली रखना है आपको ड्रम का। ओके बोल लगा दे। ये मेन वॉश हो गया आपका, ये मेन वॉश है, ये प्री वॉश हो गया आपका। यहाँ सॉफ्टनर डालते हैं कपड़े में कुछ खुशबू के लिए, वो यहाँ डालना होता है। और जैसे वैनिश वगैरह डालना है वो कहाँ रखेंगे? वैनिश जो पाउडर लिक्विड है ना? नहीं नहीं वैनिश पाउडर होता है, बीच वाले में। ये पावर का बटन है, पावर जैसे ऑन करेंगे हमेशा ये कॉटन पे जाकर रुकेगा, लेफ्ट लेंगे या राइट लेंगे इसी पे रहेगा। ठीक है ना, ये कॉटन सेलेक्ट हो गया आपका, जहाँ लाइट जलेगी वो चीज़ सेलेक्ट होगी ना जी। जो डेली बेसिस के हम लोग कपड़े होते हैं उसको नॉर्मल पे ही वॉश करने होते हैं, तो ये तो सेलेक्ट हो गया। एक ये लाइट बिलिंग कर रहा है स्टार्ट करने के लिए, बोला ये स्टार्ट कर दी। नॉर्मल कौन सा है भैया? कॉटन। अच्छा कॉटन नॉर्मल है। हाँ जो डेली बेसिस के हम लोग कपड़े होते हैं। ओके की लॉक हो गया, ये डोर लॉक हो गया, डोर निकलेगा अभी। ये कपड़े का वेट सेंस कर रहा है, वेट के हिसाब से ये डिस्प्ले पे टाइम शो कर देगा आपको। ओके कितना टाइम लगने वाला, जितना कपड़ा अंदर डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वेट अपने आप कर लेगा, टाइम अपने आप कर लेगा। इस पैनल में कुछ सेट नहीं करना, मैं कुछ नहीं करना अभी आपको फिलहाल। हम जिसपे मूव करेंगे वो चीज अपने आप हो ले लेगा। जैसे मान लीजिए ये क्या होता है सब बता देना, जैसे आपका ये कॉटन दिया हुआ है, बट कॉटन में आपको जो टाइमिंग है वो कॉटन ले लिया नहीं चाहिए तो दोनों हटा देंगे। अच्छा उसको दो बार क्लिक किया तो अपना निकल जाएगा जी। इसको क्या बताया था आपने, फिर से बताइए प्लीज। किसको? जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला टर्बो वॉश है, जो कपड़े रगड़ के धोते हैं वो होगा। इसको 3 सेकंड होल्ड करके रखेंगे आप, ओके, तो प्री वॉश सेलेक्ट हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक। प्री वॉश जी, जो कि बहुत ज्यादा, मतलब प्री वॉश सेलेक्ट करने के लिए आपको ये टर्बो वॉश वाला जो है ये जिसमें भी नीचे स्टार लगा हुआ है सारे को 3 सेकंड होल्ड करके रखेंगे तो वो फंक्शन काम करेगा आपका। ओके 3 सेकंड होल्ड करना है जी। इंसेंटिव इसमें भी वायु कंडीशन में ज़्यादा गंदे कपड़े हो अगर आप तो यहाँ से भी ऐड करना चाहें किसी भी में भी, तो आप यहाँ से इंसेंटिव ऐड कर सकते हैं। डोंट मेक अ साउंड, बच्चे हैं डिस्प्ले को बार बार छेड़ते हैं, तो इसी को 3 सेकंड प्रेस करेंगे आप लॉक हो जाएगा, तो सील लिख के आ जाएगा, चार लॉक हो गया। एक बटन छोड़ो कोई बटन काम नहीं करेगा बाबा। अच्छा प्रेस करने के लिए फिर अगेन इसी को 3 सेकंड प्रेस करके रखना पड़ेगा आपको, ऑफ करने के लिए, खुलने के लिए। हाँ लॉक, ठीक है जी। रिंस प्लस बाई डिफॉल्ट सारे में एक मरतबा रिंस लेगा, रिंस प्लस करेंगे तो 2 मरतबा रिंस होगा आपका। यहाँ से रिंस प्लस मतलब एक रिंस एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक रिंस एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। मतलब पानी निकालने का जो है इसी को 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे, TCL लिख के आ जाएगा, जो टब क्लीन का ऑप्शन आता है। यहाँ का पानी खराब उसकी वजह से टब के अंदर ज्यादा जरूरी है जी, मतलब हर बार धोने के बाद एक बार, नहीं नहीं मंथली में या 2 मंथ्स में एक बार क्लीनिंग आपको करना है, करना ही होता है। वो DSkill पाउडर आता है कंपनी का, वो डाल के आपको इसके अंदर क्लीनिंग करना है, वो अलग से आती है। हाँ अदरवाइज क्या होगा, इसके अंदर ड्रम के अंदर स्केलिंग जमेगा और वो आपके पाउडर साथ में मशीन की नहीं आती। अच्छा बाहर से लेना होता है, हमारे पास होता है। कितने का होता है वो? 450 का 3 पाउच होगा उसमें, तो वो इसमें डालना है, वही फर्स्ट वाले में डालेंगे, इसमें डालेंगे। ओके इसको 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे, ओके यहाँ आ जाएगा लिख के TCL, देन स्टार्ट कर देना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक सारा फिर हो जाएगा। इसको तो बंद करेंगे, इसको हम
सपोज कीजिए हम एक कॉटन लैब सेलेक्ट कर, जब कॉटन सेलेक्ट कर लिए हम कपड़े भी डाल दिए हर कुछ डाल दिए हम, हमको 5 घंटे के लिए बाहर जाना है, फोन आ गया यहाँ से हम डिले टाइम लगा देंगे 5 घंटे का, 5 घंटे में हम घर के अंदर आ जाएंगे। अगर साइकिल 1 घंटा 20 मिनट की साइकिल है तो ये 3 घंटा 40 मिनट के बाद चालू हो जाएगी साइकिल अपने आप, यहाँ यहाँ स्टार्ट करेंगे हम इसको, स्टार्ट करके हम चले जाएंगे ज़्यादा बाहर। 3 घंटे 20 मिनट के बाद साइकिल चालू होगी, जो 1 घंटा 20 मिनट है लास्ट, जो लास्ट बचेगा ना उसमें कपड़े वॉश स्पिन करके देगा आपको, जब तक हम आएंगे तब तक वो अपने आप करके किनारे लास्ट का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके ठीक है ना। सिर्फ पावर देंगे, सिर्फ कपड़े ड्राई करने हैं, पावर देंगे, स्पिन का बटन है, स्पिन बटन प्रेस करेंगे, देन स्टार्ट करना। अच्छा डीले एंड में मतलब यही चीज़ है? हाँ डीले एंड में अगर आप टाइमिंग का वो करना हाँ, चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से टाइमिंग डाल सकते हैं। जी पावर देंगे, स्पिन बटन प्रेस करेंगे, देन स्टार्ट करना हमको, सिर्फ कपड़े ड्राई करेगा आपका, सुखाया सुखाएगा सिर्फ। जी टेम्परेचर है इसके, इसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर सेलेक्ट कर लेगा, अब कुछ नहीं करना इसमें। अच्छा जैसे मैंने कॉटन में डाला और टेम्परेचर खुद ब खुद वो सिलेक्ट कर लेगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक लेगा। हाँ जैसे इसमें हमने कॉटन है, ठीक है ठीक है, इसने ले लिया 40 डिग्री, ओके, बट आपको पानी गर्म नहीं करना है तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, कोल्ड कर सकते हो यहाँ से आप कोल्ड, ओके ठीक है। मतलब वो अपने कोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपने आप टेम्परेचर ले लेगा, वो प्रोग्राम के ऑटोमेटिक सब। अच्छा ये स्पिन का जो दिया आपका नो और ये आरपीएम जो दिया 400 समथिंग, सॉरी ये कैसे एक्सेलरेट करता है मशीन अपने आप? डोर लॉक हो गया, पॉज कर देंगे, डोर खुलेगा, डाल डाल देन स्टार्ट कर दीजिए आप, ओके जी। और रिमोट स्टोर इसमें क्या है? एक ऐप आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा मोबाइल में, हम मोबाइल में जो इस मशीन पॉज करने के लिए भी यही है, स्टार्ट करने के लिए मोबाइल से आप चला सकते हो, मोबाइल को आप चला सकते हैं। अच्छा वो मतलब LG का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये जो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा तुरंत मशीन वाईफाई से, तो इसमें इसको वाईफाई के 3 सेकंड नीचे दबा के रखना पड़ेगा। एंड्रॉइड फोन है एप्पल? नहीं एंड्रॉइड भी है, एंड्रॉइड एंड्रॉइड का करो, एंड्रॉइड प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, स्मार्ट क्यू, ओके मैं डाउन कर लूँ। अच्छा वाईफाई आ गया ये, ठीक है ना।